खबर छतरपुर से है, जहां एसपी अगम जैन के निर्देशन में आगामी त्योहारों को देखते हुए शनिवार को सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे अपने बल के साथ पहुंचे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्ध लोगों की जांच की गई। मुख्य मार्ग के किनारे सड़कों पर वाहन पार्क करने वालों पर कार्यवाही की गई। वहीं खुलेआम शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की गई और उन्हें सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भ्रमण करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही संदिग्ध लोगों, संदिग्ध वाहनों और खुलेआम शराब बेचने वालों पर भी कार्रवाई की गई और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो लगातार शाम को घूमने का मार्केट में घूमने के लिए आदेशित किया जा रहा है, उसके तारतम्य में आज हमारे द्वारा थाने की टीम के द्वारा रोडों पर जो सार्वजनिक स्थान है उस पर चेकिंग की गई है और जो यातायात प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई की गई है। उन पर फटकार भी लगाई है, उनको समझाइश दी गई है और जिससे गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है और जो वैधानिक नहीं दी गई उसको थाने में जब्त करके रखा गया।